हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन सेल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालते हैं और उस एब्सोल्यूट सेल पोटेंशियल से हम बाकी के लोगों को कंपेयर करते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर मेरे पास एक गैल्वेनिक सेल होता है, उस गैल्वेनिक सेल में हम हाइड्रोजन को ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का काम करेगा, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स कर देते हैं कि वो मान लेते हैं कि मानो वो एनोड का काम करता है। फिर हमने देखा कि उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल, विल बी 4.44 वोल्ट। ये उसका एब्सोल्यूट है जिसमें प्लस माइनस 0.02 का अनसर्टेंटी था, फिलहाल मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमने देखा कि किसी भी चीज़ को कैथोड मान के चलो, अब वी डोंट नो हु इज गोना बी कैथोड, और फिर हम उसका यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SHE दैट कम्स आउट टू बी 4.44 वोल्ट। यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर मुझे दो लोगों के बीच का डिफरेंस बताएगा, यानी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके मुझे बताएगा, और उससे मैं बोलूंगा कि सेल में के ईएमएफ का इतना डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को लिया, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन को तो फिक्स कर दिया, फिर मैंने स्टार्ट किया फ्लोरीन के साथ, फिर मैंने लिया क्लोरीन, फिर मैंने लिया सिल्वर, फिर मैंने लिया कॉपर, फिर वहाँ लिया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया, वहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लेके देखा, फिर मैंने निकल लिया, आयरन लिया, जिंक लिया, एल्यूमिनियम लिया, लिथियम लिया, यानी मैंने एनोड को फिक्स रखा और मैं कैथोड को बदलते गया। जब मैंने एनोड को फिक्स रखा और कैथोड को मैं बदलते गया और मैंने ये नोटिस किया कि उनके कैथोड के रिडक्शन वैल्यू में और एनोड के रिडक्शन वैल्यू में फ़र्क कितना है, इसका रिडक्शन वैल्यू और इसका रिडक्शन वैल्यू में डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज ई नॉट ऑफ सेल, इसको हम ई नॉट ऑफ सेल से डिनोट करेंगे। और हमने एक काम किया, अलग अलग चीज़ों के रिडक्शन वैल्यूज़ को यहाँ लिखा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार इस चार्ट को बहुत जगहों पे देखा होगा। ये चार्ट का एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करना है कि ये चार्ट आता कहां से है। हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका फीचर्स पढ़ा, पर ये आया कहां से है वो समझना। सर देखिए, मैं पहले लिखने वाला हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। भाई जो भी मैं कैथोड बनाने वाला हूं मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा। फिर मैं लिखने वाला हूं मेरा फिक्स एनोड, जो मेरा एनोड फिक्स है उसका वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, और सब कुछ रिडक्शन में होगा, रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। और फिर उसके बाद कैथोड से एनोड की वैल्यू को माइनस करके देखूंगा कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लेता हूं फ्लोरीन का, यानी हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, यहां पे मैंने फ्लोरीन लिया। जब यहां फ्लोरीन लिया और यहां एनोड लिया, तो फ्लोरीन का और एनोड का जो डिफरेंस मुझे निकल के आया, द डिफरेंस वॉज 2.87। Now, ये 2.87 मतलब क्या, अगर 4.44 एनोड का फिक्स है, इफ एनोड इज फिक्स, दैट इज आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जिसको आप ई नॉट ऑफ सेल कहने वाले हो। तो आपका एनोड का वैल्यू तो फिक्स हो गया है, दिस इज फिक्स्ड एंड दैट इज 4.44 वोल्ट। अब आपने क्या किया, कैथोड की वैल्यू से एनोड की वैल्यू को माइनस किया, कैथोड में से एनोड को माइनस किया, सो दिस इज माइनस कैथोड माइनस एनोड, आंसर इज 2.87। मतलब रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन का एक्चुअल वैल्यू कितना हुआ होगा, 7.31 माइनस, अगर आप 4.44 करते हो तो आंसर कम्स आउट टू बी 2.87। दिस 2.87 इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन, दैट कम्स आउट टू बी 2.87। ओके, फिर मैंने क्या लिया, वहाँ पे क्लोरीन को लेके देखा। जब मैं हाइड्रोजन को फिक्स रखता हूँ और क्लोरीन को चेंज करता हूँ, क्लोरीन का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस हाइड्रोजन का एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस वॉज प्लस 1.36। यानी अगर ये रिडक्शन वैल्यू 5.8 दिखाता है और अगर मैं उसमें से माइनस करता हूँ, इफ आई एम सब्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन का, तो वैल्यू कितना आता है, प्लस 1.36। मतलब हाइड्रोजन के और क्लोरीन के रिडक्शन करने के पोटेंशियल में ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ सिल्वर लिया, सिल्वर का रॉड, सिल्वर का सोल्यूशन, हाइड्रोजन का रॉड, हाइड्रोजन का सोल्यूशन, फिर मैंने देखा सिल्वर का रिडक्शन करने का पोटेंशियल इज 5.239, वहाँ पर अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन करने का पोटेंशियल देखूँ, दैट इज 4.44 विच इज फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 0.799। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ओके, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कॉपर 2+ लिया, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, और यहाँ पर मैंने क्या रखा, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को रखा, दोनों का जब मैंने डिफरेंस किया, दैट इज 4.77 माइनस 4.44, सर ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, दिस वैल्यू इज फिक्स, क्योंकि वहाँ आपने हाइड्रोजन रखा हुआ है, बट ये वैल्यू अब धीरे धीरे अगर आप देखो तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है।
कम हो रही है, तो मुझे डिफरेंस कितना आया, प्लस 0.337। लास्ट एंड द लीस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, वहाँ पर भी हाइड्रोजन, इसका भी रिडक्शन उतना, उसका भी रिडक्शन उतना, तो 4.44 माइनस 4.44, आई गॉट द आंसर एज 0.00 वोल्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ना उसके बाद मैंने क्या किया, निकल का रॉड, निकल का सोल्यूशन। अब मैंने देखा निकल का रॉड, निकल का सोल्यूशन जब मैंने लाया तो यहाँ उसका वोल्टेज कम हो गया रिडक्शन का, और इसका वोल्टेज बढ़ गया। जब इसमें से जब इसको माइनस किया तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। सर ध्यान से देखिएगा, अब तक जितने भी कैथोड के वैल्यूज हैं, 7.31 इज ग्रेटर देन दिस, 5.8 ग्रेटर देन दिस, 5.29 ग्रेटर देन दिस, 4.77 उससे बड़ा, ये सब वैल्यूज बड़े हैं, हायर माइनस लोअर कर रहे थे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा था डिफरेंस। अब इन दोनों के रिडक्शन वैल्यूज को तुम अगर कंपेयर करो, हैज गॉट मोर रिडक्शन वैल्यू, दिस हैव गॉट मोर रिडक्शन वैल्यू, मतलब इस केस में जब मैं इसको हाइड्रोजन के साथ लगाऊंगा, इसको हाइड्रोजन के साथ, इसको हाइड्रोजन के साथ, इसको हाइड्रोजन के साथ, तो ये जितने भी लोग हैं ऊपर वाले, जितने भी ऊपर वाले लोग हैं, ये सब क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और जो हाइड्रोजन सामने होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। द रीजन इज इनका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है, उसका रिडक्शन वैल्यू कम है, और इनका जब मैं डिफरेंस देखता हूं, द डिफरेंस इज दिस, ये उनका डिफरेंस है विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। सो इसीलिए हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, जिसके रेफरेंस में आप ये सारी वैल्यूज ढूंढ के निकालते हो। अब एक काम करते हैं, अब मैं लेके आता हूं कैथोड को चेंज करता हूं, अब मैं कैथोड की जगह लेके आता हूं आपका निकल, फिर लाऊंगा आयरन, फिर लाऊंगा जिंक, फिर लाऊंगा एल्यूमिनियम, और लास्ट में लेके आता हूं लिथियम, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस आता है। तो मुझे पता चलता है सडनली इसका रिडक्शन वैल्यू कम होने लगता है, जैसे जब निकल लाया तो इट बिकेम 4.183, नाउ वेयर एज आप अगर हाइड्रोजन को कंपेयर करो ये 4.44 है। तो अब तक मुझे बताओ, जैसे मैं यहां देखता हूं, मुझे यहां बताना क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब तक कौन ऑक्सीडेशन कर रहा था, अब तक ये सारा बंदा ऊपर वाला कौन कर रहे थे, ये पूरा स्टफ, यानी हाइड्रोजन क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन। रीजन क्या है, SHE, मैं ऐसे लिख सकता हूं SHE क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन, और ये बाकी के सारे इलेक्ट्रोड क्या कर रहे थे, रिडक्शन, क्योंकि उनका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा था। अब तुमने उसको हाइड्रोजन के सामने निकल ला के रख दिया, यार निकल का तो वैसे ही रिडक्शन वैल्यू कम है, अगर निकल का रिडक्शन वैल्यू कम है और हाइड्रोजन का उसके मुकाबले रिडक्शन वैल्यू है, तो तुम जो मान रहे थे कि जब निकल और हाइड्रोजन को अटैच करोगे तो निकल विल वर्क एज कैथोड, नो इट्स रॉन्ग, निकल एट दैट टाइम विल वर्क एज एनोड। दोनों का डिफरेंस जब आप देखोगे तो डिफरेंस कम्स आउट टू बी माइनस, बिकॉज दिस इज ग्रेटर नंबर एंड दिस इज स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर है, जब स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर करते हो द आंसर कम्स आउट टू बी इन नेगेटिव। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अब इसका रिडक्शन करने का पावर ज्यादा है, तो SHE अभी क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है, और ये जो होगा, जो भी आपका निकल का इलेक्ट्रोड है, ये क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन, तो आपकी चीजें बदल जाएंगी। अब सिंस ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये किसका काम करेगा, एनोड का, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। अच्छा, उसके बाद जब मैं देखने लगा, मैंने आयरन को लाया वैल्यू और कम हो गया, मैं जब जिंक को लाया रिडक्शन का वैल्यू और कम हो गया, अगर एल्यूमिनियम लाया तो 2 में चला गया, लिथियम का तो वैल्यू 1.395 हो गया। दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज ओके। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज में से जब हाइड्रोजन की वैल्यूज को माइनस करता हूं, ये मान के कि हाइड्रोजन इज वर्किंग एज एन एनोड, तो पहले के लोगों की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, नीचे की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं। नाउ अगर सारी वैल्यू नेगेटिव में आती हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नीचे के सारे लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन, ऊपर के सारे क्या करने वाले हैं, रिडक्शन विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, अगर उनके साथ हाइड्रोजन लगाया गया। नाउ अब एक चीज को समझो, अब एक काम करते हैं, मैं निकल को, I am comparing it with zinc. मैं निकल को और जिंक को कंपेयर करता हूं। जब निकल हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करता है तो उसके रिडक्शन में जो डिफरेंस आता है वो है 0.257, यानी निकल का रिडक्शन करने का वैल्यू कम है, यानी वो ऑक्सीडेशन पसंद करता है। पर जब मैं जिंक को कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन के साथ तो उसमें डिफरेंस कितना आता है, 0.767। मतलब क्या सर, मतलब ये हो गया कि निकल और जिंक के मुकाबले जिंक बहुत कम रिडक्शन करेगा, यानी वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, वेयर एज निकल क्या करेगा, फिर भी थोड़ा बहुत रिडक्शन कर लेगा, उसके और हाइड्रोजन के रिडक्शन में फर्क कम है। मतलब अगर हाइड्रोजन है, अगर निकल है और अगर जिंक है,
हाइड्रोजन, निकल, जिंक. अगर तीन लोग खड़े हैं तो हाइड्रोजन बड़े आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, निकल को थोड़ी मुसीबत होगी, पर जिंक को तो बहुत डिफिकल्टी होगी, वो जल्दी रिड्यूस नहीं करेगा अपने आप को. रीजन, क्योंकि उसका रिडक्शन करने का पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसमें और हाइड्रोजन में, दैट इज 0.763 वोल्ट. सर ये जो सीरीज आपने देखी इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंपेयर किया. यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने लोग हैं उनके और हाइड्रोजन के डिफरेंस में पॉजिटिव आता है, मतलब उनका वैल्यू ज्यादा, यानी वो लोग क्या करेंगे, रिडक्शन. अगर उनसे नीचे कंपेयर करूं तो उनके और हाइड्रोजन के वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन का ज्यादा है. इसका मतलब वो लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन. एंड दिस इज हाउ यू गेट अ ब्यूटिफुल सीरीज, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये कहा जाता है कि निकल का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0-0.257. सर नो, इट्स नॉट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल, दैट्स द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दैट कम्स आउट टू बी -0.257. निकल का एब्सोल्यूट रिडक्शन वैल्यू इज 4.183, बिकॉज आपका गैल्वेनोमीटर जो देता है इट्स नॉट गिविंग यू एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स गिविंग यू अ डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यूज. सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ डिफरेंस, आप अभी आप देखो एक सेकंड चीज कर सकते हो, ये डिफरेंस जीरो आ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिफरेंस. अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर ये 4.44 की जगह अगर मैं जीरो मान लेता तो ये वैल्यूज कितनी हो जाती, जैसे अगर मैं इसको जीरो मानूंगा तो यहां कितना आएगा, 2.87. तो 2.87 माइनस जीरो प्लस 2.87, 1.36 माइनस जीरो 1.36, 0.799 माइनस जीरो 7.99. अब अगर मैं स्केल बदल दूं, मतलब मैं 4.44 और 7.31 को रेफरेंस ना मानूं और इसकी जगह अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.87 माइनस 0.0 और 1.36 माइनस, लेट मी रब दिस आउट, एंड 0.0, मैं यहाँ अगर लिख दूँ 0.799 माइनस 0 और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0.337 माइनस 0, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन को 0 मान ले रहा हूँ. मैं मानता हूं उसका 4.44 है, बट अगर उसको जीरो मान लूंगा तो मेरे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी. ना हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो कहीं तो मुझे ओरिजिन लेना पड़ता है, कहीं तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. तो मैं हाइड्रोजन को रेफरेंस मानता हूं कि जब हाइड्रोजन 4.44 था उस समय आपका फ्लोरीन वॉज 7.31. अब अगर हाइड्रोजन 0.00 है तो उस समय फ्लोरीन विल बी 2.87, द डिफरेंस विल स्टिल रिमेन कॉन्स्टेंट. अच्छा, जब आपका हाइड्रोजन 4.44 था उस समय आपका क्लोरीन वॉज 5.8, बट अब अगर हाइड्रोजन को जीरो मानते हो तो फ्लोरीन क्लोरीन विल बिकम 1.36, द डिफरेंस विल बी 1.36 प्लस 1.36. रिवर्स में आते हैं, यहां पर क्या मानते हैं, लेट अस से हम निकल आयरन की बात करते हैं, जब आयरन वॉज 4 तो हाइड्रोजन वॉज 4.44. अब अगर हाइड्रोजन को जीरो मान लूंगा तो मुझे यहां उस समय इसको माइनस 0.440 मानना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस बिकम्स 10, बिकॉज माइनस जीरो है. जब मैं यहां पर इसको 4.44 मान रहा था उस समय दिस वॉज 3.677, द आंसर वॉज कमिंग -0.763. अब अगर इसको 0.0 मानता हूं तो इसको मुझे -0.763 मानना पड़ेगा, बिकॉज द आंसर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, डिफरेंस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर 4.44 मान के माइनस डिफरेंस निकाल रहे हो तो यहां का वैल्यू आपको एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, अगर हाइड्रोजन को जीरो मान रहे हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप अगर ऊपर से नीचे तक देखते हो, हम इन सबको अरेंज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, यानी डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में. मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मतलब उसका और हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत फर्क है, यानी वो बंदा रिडक्शन करेगा उसके कमजोर में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा. जैसे ही आप नीचे आते हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिडक्शन में डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, और नीचे आते हो और डिफरेंस कम, और नीचे आते हो और डिफरेंस कम, पर यहाँ आते आते तक सारे लोग क्या करने वाले हैं, रिडक्शन. बट उसके नीचे अगर जाते हो तो डिफरेंस नेगेटिव में हो जाता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस नेगेटिव में हो जाता है, डिफरेंस नेगेटिव में होता है मतलब यहाँ पर अब ये जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा वो वाला रिडक्शन. अब अगर दोनों देखो, ऊपर से नीचे जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, ऐसे ऊपर जा रहे हो तो भी डिफरेंस बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हो तो भी डिफरेंस बढ़ रहा है. ऊपर डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर वाले का रिडक्शन पावर बढ़ रहा है, नीचे डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नीचे वाले का ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है.
वो ऑक्सीडेशन करेगा, वो रिडक्शन नहीं करेगा। तो अगर तुम नीचे से किसी सेल को उठाते हो, हाफ सेल को, और हाइड्रोजन को उठाते हो, तो नीचे वाले को आपको एनोड बनाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा, और हाइड्रोजन को उस समय क्या करना पड़ेगा, कैथोड। अगर ऊपर से किसी को उठाते हो और हाइड्रोजन को उठाते हो, तो इसको आपको कैथोड बनाना पड़ेगा, नीचे वाले को आपको एनोड बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऊपर वाले जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो किसका काम करेंगे, कैथोड का, और नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो किसका काम करेंगे, एनोड का, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन से कंपैरिजन की, ठीक है। ये पहली चीज थी जो आपको समझनी थी। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां से आई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है शायद वो भी समझ में आया। कभी भी इन वैल्यूज को देख के ये मत समझना कि ये वैल्यूज उस इलेक्ट्रोड की वोल्टेज है, आई एम सॉरी, ये वैल्यूज उसकी और हाइड्रोजन के बीच के डिफरेंस को बताता है। दूसरी बात सर, सपोज अगर मैं निकल का एक दो इलेक्ट्रोड लेता हूं, एक जगह मैं निकल को लेता हूं और एक जगह मैं जिंक को लेता हूं, मैं दो इलेक्ट्रोड बनाता हूं, मुझे बताओ कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा। सर बड़ा आसान है, अगर निकल को हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए और अगर जिंक को हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए, तो निकल के और जिंक के रिडक्शन, हाइड्रोजन के और निकल के रिडक्शन में डिफरेंस कितना है, -0.257, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, -0.763। मतलब ये बहुत ज़्यादा कम रिडक्शन दिखाता है और ये उसके मुकाबले ज़्यादा रिडक्शन दिखाता है, यानी ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन करता है और ये कम ऑक्सीड। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा और ये कम, तो उस केस में आपका जिंक किसका काम करेगा, एनोड का, और बाजू वाला जो निकल है वो किसका काम करेगा, कैथोड का। रीजन क्या है सर, हाइड्रोजन से डिफरेंस देख लो ना, हाइड्रोजन के मुकाबले निकल का डिफरेंस देखो और हाइड्रोजन के मुकाबले आप जिंक का डिफरेंस देखो, ये ज्यादा कम है, मतलब ये ज्यादा, आई कैन से मोर ऑक्सीडाइजिंग, और अगर इसको देखूं तो लेस ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आया, तो ये ज्यादा, अब अगर इन दोनों को लूंगा तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, तब मजबूरी में निकल को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। वो रिडक्शन करना पसंद नहीं करता, पर सिंस आप उसने पावरफुल इंसान को लगा दिया है तो बाजू वाले को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो इस सीरीज को जिसको मैंने अरेंज किया है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। याद रखना, इसमें जितने नीचे वाले लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और जितने हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो क्या करना पसंद करते हैं, रिडक्शन, जब उनको हाइड्रोजन के साथ लगाया जाता है। पर अगर उनको आपस में लगाओगे, जैसे फ्लोरीन को और क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाओगे, तो जो ज़्यादा, जिसका ज़्यादा डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल में वो क्या करेगा, रिडक्शन, जिसका कम डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल में वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करोगे तो ऊपर के सारे लोग रिडक्शन करते हैं, नीचे के सारे लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। अब अगर वो रिडक्शन करते हैं तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिंस ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मुझे एक बैटरी बनानी है जो कि बहुत पावरफुल हो, लाइक इट शुड बी वेरी 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 पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन और बहुत ज़्यादा रिडक्शन करे और बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करे, तो मेरे लिए आइडियली मैं उस चीज़ को सुनूंगा जहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता हो, यानी उसका हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता हो और हाइड्रोजन के मुकाबले रिडक्शन बहुत ज़्यादा होता हो, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग मेरे कैरेक्टर में पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन और लिथियम आता है। इसलिए लिथियम फ्लोराइड की बनी हुई बैटरी आर द मोस्ट पावरफुल बैटरीज, और शायद हम लोग उसको कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल्स में भी यूज करते हैं। हमारे मोबाइल की भी जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज, जिसको कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन इनसाइड, एंड दैट्स द रीजन वो बहुत पावरफुल बैटरी होती है जो बहुत दिन तक, बहुत देर तक चलती है रिचार्ज करने के बाद। मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, आज इसको एक नए नजरिए से देखा। अब तक हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा था, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन को जीरो मानता है। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन को जीरो क्यों माना गया है। हाइड्रोजन जीरो नहीं है, हाइड्रोजन का खुद का अपना वोल्टेज है, दैट इज 4.44, बट उसके रेफरेंस में बाकी सबको हमने अरेंज किया है। अब जिसको रेफरेंस माना है, अगर उसको जीरो मान लूं तो बाकी सबको अगर मैं अरेंज करूं तो मुझे एक सीरीज मिलती है, एंड दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, इससे हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका होगा, किसका नहीं होगा. थैंक यू.